अब कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें संबंधों में, पारिवारिक या सामाजिक संबंधों में, वहां से भी बहुत स्ट्रेस आता है। हम पार्टी में गए थे, उस शादी में हमको बुलाया था, हम गए थे लेकिन ठीक तरह से हमको वहां बुलाया नहीं, ठीक तरह से हमारे सामने उन्होंने देखा नहीं। अरे यार वे तो मेरे बाजू में आके बैठे थे लेकिन बात उन्होंने ठीक नहीं की। हम पार्टी गैदरिंग और या शादी में किसी के जाके जब वापस घर आते हैं तब आप ये गौर करना कि 2 घंटे तक चर्चा क्या रहती है, इसमें से स्ट्रेस आता है पता है। चर्चा आप ये करते हो कि उसने ये कहा, उसने ये नहीं कहा, उसको ये करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, जो वो है वो ठीक था, ये वो ठीक नहीं था, खाने में ये नहीं था, ये होना चाहिए, उसने ये पहना था वो ठीक नहीं, ये पहना था वो ठीक, इसी चर्चा 2 घंटे चलती है ना। तो क्या सभी आने वाले मेहमान तेरे को पूछ के वहां पार्टी में आने, पूछ के वो लोग पार्टी में आए मैं क्या पहनूं क्या खाऊं? फंक्शन उनका था, आप जब आप तो गेस्ट थे, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप वहां जाए, प्रेम से सबको मिले, मुख्य यजमान को मिले, जो भी शुभेच्छा देनी आप दे, उनका प्रसाद है, प्रेम है तो आप थोड़ा खाए, फिर आप बधाइयां देके चले जाइए, इतना ही करना है। लेकिन एवरी इंडियन इज अ फिलोसोफर, हम सब अपने आप को इतने बुद्धिमान मानते हैं, मैं दोनों की बात करो, आप और मेरे दोनों को, हम सब अपने आप को इतनी इतने बुद्धिमान मानते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे सब क्षेत्र का ज्ञान है। कहीं क्षेत्र में जब हमको सिर्फ कॉमन सेंस होता है ना तो भी हम इस प्रकार का वर्ताव रखते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, आई नो एवरीथिंग। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है पता है, अनोइंगली अनकॉन्शियसली। अब शांति से घर जाके इस वाक्य पे विचार करना, मेक योर सेल्फ लिमिटेड टू योर सेक्शन योर सर्कल्स। सब जानने की पृथ्वी पे जरूरत नहीं है, टेंशन बढ़ेगा। वो डोनाल्ड ट्रंप फिलाडेल्फिया में हिलरी क्लिंटन के सामने जीता उसका कारण ये था, वो इतना आपको जानने की अब पुणे में बैठे बैठे जरूरत क्या है। तेरे को सिर्फ पुणे में बैठे बैठे इतना जानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ही बिकेम विक्टोरियस एंड द अपोनेंट वॉज हिलेरी क्लिंटन फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी, ये रिपब्लिकन पार्टी के थे और वो ये भी प्रेसिडेंट बने। उसने फिलाडेल्फिया में क्या किया, फ्लोरिडा में क्या हुआ, एलए में क्या हुआ, तू प्रैक्टिस कर इधर। ये T20 की मैच थी, विराट कोहली खेल रहा था, बॉल ऑफ स्टंप पे गिरी, आउटस्विंग हो रही थी, गेंद बाहर चली ऑफ स्टंप के बाहर, वहां बॉडी से अवे खेलने के लिए विराट कोहली गए और फिर कट लेके फर्स्ट स्लिप में चली गई, खेलना ही नहीं आता उसको। वो गेंद छोड़ देनी चाहिए ना, इतनी बाहर गेंद जा रही थी वहां टच करने क्यों गए। तो अब भाई साहब तुझे ज्यादा ज्ञान है तो अगली मैच में आपको भेजेंगे और क्या। What I mean to say, just by common sense in certain fields, don't poke your nose and don't express your opinions. आपको पता है जब विराट कोहली खेलते हैं तो सामने जो गेंद गिरती है वो स्पीड क्या होती है पता है? इट इज 90, 92 एंड 95 माइल्स पर आवर की डिलीवरीज गिरती है, मतलब 145 किलोमीटर पर आवर है। हम सब जो यहां बैठे हैं ना अपने जिंदगी में क्रिकेट हम सब खेले लेकिन एक भी गेंद ये स्पीड की हमने फेस नहीं की है। 145 किलोमीटर पर आवर डेल स्टीन डालता है, शोएब अख्तर डालता है। अगर तेरे को विराट कोहली की जगह पे खड़ा कर दे वैंकटेश्वर स्टेडियम में तो 6 गेंद के बाद जब वो बॉलर चल रहा है आप अंपायर को फरियाद करेंगे कि अंपायर इनको बोलो ने एक्शन करके चला जाता है कुछ डाले। पता चला पता चला क्या चला
दिखता ही नहीं है तुझे, गेंद दिखेगी ही नहीं। वो 95 माइल्स पर आवर की डिलीवरी जब गिरती है ना, तुझे दिखेगी ही नहीं। तब अंपायर प्रेम से कहेगा कि भाई वो उसने कुछ डाला नहीं डाला, वो तो बात की बात है, तू पीछे देख, तीन में से एक भी नहीं खड़ा होगा, तीन में से एक भी स्टंप्स खड़ा नहीं होगा, और तू वहां कमेंट देने चला है, वहां कमेंट जा चलता है। और वो भी कौन देते, T20 पूरी होती है, उसके बाद घर से बाहर निकल कर वो एट द एज ऑफ द स्ट्रीट जो पान मसाला का वो दुकान होती है, शॉप होती है, वहां पान यहाँ डाल के पिचकारी मार के स्वच्छ भारत को बिगाड़ते बोलता है। ठीक, विराट कोहली ठीक नहीं खेला। तो ये दो बात मैंने की इस मुद्दे में कि बहुत ज्यादा सब क्षेत्र में जानने की जरूरत नहीं है, और जो अपना क्षेत्र है वहां अभिप्राय व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत शांति रहेगी, बहुत स्थिरता रहेगी, क्योंकि यहां थोड़ी जीबी फ्री रहेगी, तो स्टेबिलिटी रहेगी। न्यूज़पेपर खोलते तो सीधा page 3 खोल देते, हॉलीवुड में क्या हुआ, बॉलीवुड में क्या हुआ, जितने भी वुड्स इस प्रकार के इस पृथ्वी पे, हॉलीवुड टॉलीवुड बॉलीवुड फॉलीवुड जितने भी होंगे, उसमें क्या हुआ, वो कहानियां जानने की ज्यादा इच्छा रहती है। व्हाई डू यू नीड दैट, गो डीप इन योर प्रोफेशन, आपका जो क्षेत्र में उसमें आप गहराई तक जाए, और जो आपका नहीं है टच एंड गो, सिंपल। व्हाई यू स्पॉइलिंग योर माइंड, दिस इज अ 70-year गेम, you have to live it well, play it well, yes or no? Human life is 70 or 80 years, 5-10 plus minus with the grace of God, you have to play it well, otherwise aap zindagi haar jayenge. To isse bhi bahut bada tanav aata hai. To ye ek baat samajhna ki jo kshetra aapka nahi hai lekin aapko thoda ras hai to aap jaan bhi le, lekin zyada gehrai mein jane ki zarurat nahi hai. और जो क्षेत्र आपका नहीं है आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप जानते नहीं हो, उसमें मेहरबानी करके आप अपना अभिप्राय मत देना। अगर प्रधानमंत्री जी इस वक्त यहां पधारे तो हम सबके लिए, हम सबके पास उनके उनको देने के लिए 5-5 सजेशन है, इतना हमने सोच रखा है। लेकिन हमको पता है कि उस लेवल पे काम कैसे होता है, हम यहां बैठे एक को भी अनुभव नहीं है कि हाउ द पीएमओ वर्क्स, यस और नो? कितना टेंशन रहता है, कितने बड़े हर मिनट पे स्ट्रेसफुल न्यूज आते रहते हैं, कोई वक्त बॉर्डर पे से आए, कोई वक्त इंटरनल इंटरेस्ट में से आए, कोई वक्त वहां कोई रैली ने, किसी ने रैली निकाली, कोई वक्त किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पीएल फाइल किया, एक एक मिनट हर 60 सेकेंड्स में ये लेवल पे डिस्ट्रेसिंग और स्ट्रेस पैदा करने वाले न्यूज आते हैं, पता है? उसके बीच स्टेबल बैठना, बोलने की और काम करने की बात तो अलग है, सिर्फ बैठना वो भी तकलीफ वाली बात हो जाती है, इज नॉट अ जोक। तो वहां भी हम कमेंट कर लेते हैं, फिर स्ट्रेस आ जाता है, आप हंसी में बोल देते हैं, आपको आपको लगता है मैंने तो ठीक बोल दिया, ठीक है, आनंद कर लिया, लेकिन दैट untruth has the power to strengthen the foundations of stress in your life. ये बहुत सूक्ष्म बात मैंने आपको बताई, लेकिन ये बात हकीकत है।